नमस्कार, न्यूज वन इलेवन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। चलिए 3 मिनट में आपको बताते हैं बिहार से जुड़े 10 बड़ी खबरों का हाल। पटना में मुख्यमंत्री ने फर्नीचर उद्योग विषय पर उगामी पंचायत की बैठक की। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर पर फर्नीचर उद्योग पर बैठक की। वहीं इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित कई गणमान्य लोग और विभागीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पटना में कृषि मंत्री ने कृषि विभाग के पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया। आपको बता दें कि कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कृषि विभाग के कुल 41 सहायक निर्देशक स्तर के पदाधिकारियों और सहायक तकनीकी प्रबंधकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। पटना सिटी आलमगंज थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग स्थानों से गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पिकअप वैन से भारी मात्रा में देशी शराब बरामद किया गया। इस मामले में पुलिस ने 2 युवक को शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पटना सिटी में सिख धर्म गुरु के अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 353वें प्रकाश पर्व के मौके पर लाखों श्रद्धालु पटना साहिब पहुंचे, जहां आज अंतिम दिन हजारों श्रद्धालुओं और पंच प्यारे की अगुवाई में बड़ी प्रभात फेरी तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब से निकालकर विभिन्न रास्ते होते हुए बाल लीला गुरुद्वारा पहुंची। नवादा में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक गाड़ी से टक्कर हो गई। आपको बता दें कि यह घटना NH 31 फुलमा गांव की है, जहां अज्ञात वाहन की चपेट में आने से गाड़ी की टक्कर हो गई। वहीं इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने चारों घायलों को सदर अस्पताल इलाज के लिए भर्ती करवा दिया है। गया में लगातार गिरते तापमान और ठंड शीतलहर लोगों की कमर तोड़ रही है। आपको बता दें कि गया में ठंड का पारा लुढ़ककर 2 डिग्री हो गया है। साथ ही प्रशासन द्वारा कभी भी अलाव का व्यवस्था नहीं किया गया, जिससे गरीब और असहाय लोगों को इस ठंड में काफी ज्यादा मुश्किलें हो रही हैं। वहीं ट्रेनों की बात करें तो इस ठंड में सभी ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है, जिससे यात्रियों को सफर करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गया में वीरगंज विधानसभा बूथ अध्यक्ष और सचिव सम्मेलन आयोजित किया गया। बता दें कि मानपुर प्रखंड के सिखार में स्थित एक निजी होटल में वीरगंज विधानसभा बूथ अध्यक्ष और सचिव सम्मेलन आयोजन किया गया। वहीं सम्मेलन में RCP सिंह ने कहा कि गठबंधन में सीट बंटवारे पर बयान देने के लिए JDU पार्टी के प्रशांत किशोर अधिकृत नहीं है। गया में JDU के राष्ट्रीय महासचिव का कार्यकर्ताओं द्वारा जन्मदिन मनाया गया। बता दें कि JDU के कार्यकर्ताओं ने 62 पाउंड का केक काटकर राष्ट्रीय महासचिव RCP सिंह का 62वां जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मनाया। साथ ही इस मौके पर पार्टी के नेता सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मनेर में लोजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अग्नि पंडितों से मिलने पहुंचे। आपको बता दें कि लोजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष कामेश्वर प्रसाद यादव मनेर प्रखंड के महावीर टोला गाँव अग्नि पंडितों से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पंडितों से मिलकर संवेदना प्रकट की, साथ ही पंडितों के बीच कंबल का वितरण भी किया। बगहा में चलती ट्रक में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि घटना चौतरावा थाना क्षेत्र के रतवल चौक की है, जहां चलती ट्रक में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वहीं इस घटना की सूचना मिलने पर चौतरावा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। तो फिलहाल 3 मिनट की खबरों में इतना ही। नमस्कार। न्यूज 1 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।